इस भागदौड़ और स्ट्रेस की जिंदगी में कान को अगर थोड़ा सा सुकून ना मिले तो भेजा गर्म हो जाता है। और कान को सुकून देने के लिए जो चाहिए वो है गुड ऑडियो, जो तुम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हो। बट मोबाइल एंड माइक के बीच में थोड़ा सा फर्क है क्लैरिटी, बेस, टोन का। एडिट भी मोबाइल पे हो जाएगा, बट एक एडवांस ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर एडिट करोगे तो तुम्हारे पास ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा नॉइज रिडक्शन करने के लिए, अपने ओरिजिनल टोन को मेंटेन करने के लिए। इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा एडवांस लेवल का ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक्स दिखाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूं। और रिकॉर्डिंग टिप्स में भी वही घिसे पिटे बातें मुझे नहीं बोलना है कि चारों तरफ कर्टेन दे दो, क्लोजेट के अंदर घुस के रिकॉर्डिंग करो। आई नो ऑलरेडी तुम्हें ये सब पता है, इसलिए कुछ अलग टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम्हारा वॉइस रिकॉर्डिंग प्रोसेस थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। माइक का क्वालिटी, एडिटिंग प्रोसेस, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में है। एक्सप्लेनिंग वीडियोस में हमारे पास उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब तुम सिर्फ वॉइस ओवर दे रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग या बी रोल्स के लिए, तब कोशिश करना ब्रीदिंग नॉइस माइक में कैप्चर ना हो। उसके लिए एक फुल सेंटेंस को बोलने के बाद पॉज, सांस लो, देन और एक सेंटेंस बोलो। ये करने से ऑडियो में डिस्ट्रक्शन नहीं रहेगा और सुनने में भी प्रोफेशनल लगेगा, एंड कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद टॉकिंग वीडियोस में भी ये आ जाएगा। ज्यादा वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने से वॉइस का टोन चेंज हो सकता है प्रेशर की वजह से, और कभी कभी वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है अनजाने में। सो बड़े स्क्रिप्ट के लिए उसे 3-4 हिस्से में डिवाइड करके रिकॉर्ड करो। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जो लोग रेडियो जॉकी या ऑडियो स्टोरी सुनाते हैं, देखना उनका बात करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये भी एक टाइप का एक्टिंग ही है जहां पर पेसिंग, इमोशन, फीलिंग का रोल बहुत बड़ा है। सो तुम्हारा वॉइस ओवर सुनकर ऐसा ना लगे कि तुम रीडिंग पढ़ रहे हो। सेंटेंस का भाव तुम्हारे आवाज में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्या तुमने सब्सक्राइब किया? वेट किसका कर रहे हो? फिर मत बोलना कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। क्या तुमने सब्सक्राइब किया? वेट किसका कर रहे हो? फिर मत बोलना कि नोटिफिकेशन नहीं मिला। अब देखो, मैं भी कोई प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ बेहतर बनने का। ऑडियो स्टोरीज, ऑडियो बुक सुनो, ऑब्जर्व करो वो कैसे बोल रहे हैं। और अगर सच में तुम्हारा स्पीकिंग स्टाइल इंप्रूव करना चाहते हो तो इस बंदे को जरूर फॉलो करो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। टोनालिटी इज यू फीलिंग योर वर्ड्स। नोटिस हाउ आई सेड फील योर वर्ड्स एज अपोज्ड टू यू नीड टू फील योर वर्ड्स। सिर्फ बातों से ही कैसे लोगों को मोहित करना है वो इससे बेहतर कोई नहीं जानता। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद या शुरू में थोड़ा सा चुप रह के सिर्फ नॉइज को भी रिकॉर्ड कर लेना है, जिससे बाद में नॉइज रिडक्शन करने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पर हम इस पार्ट से नॉइज का सैंपल लेकर सॉफ्टवेयर को बता सकते हैं कि यही नॉइज है और तुम्हें पूरा ऑडियो में से सिर्फ इसको ही रिमूव करना है। नाउ यहाँ पर हम एक प्रीसेट तैयार करेंगे ताकि बार बार इतने सारे स्टेप्स फॉलो ना करना पड़े। नाउ फर्स्ट स्टेप होगा ऑडियो को क्लीन करना, नॉइज रिडक्शन करना। उसके लिए ऑडिशन के अंदर एक फीचर है, बट उसमें मैनुअल कंट्रोल्स थोड़ा कम है, इसलिए मैं आइसोटोप का RX8 प्लगइन को यूज करूंगा। इसके अंदर और भी कुछ एडवांस फीचर जो आगे चलकर देखेंगे। नाउ इफेक्ट ऐड करने के लिए पहले नंबर पर जाएंगे, VST3, रेस्टोरेशन, आइसोटोप, स्पेक्ट्रल डिनॉइज। नाउ इसे साइड में रखकर एक ऐसा पार्ट को सिलेक्ट करना होगा जहां पर सिर्फ नॉइज है। अब यहां पर लर्न बटन पे क्लिक करते ही ये सीख लेगा ऑडियो से क्या रिमूव करना है। लर्न पे क्लिक करके नॉइज को प्ले करेंगे। नाउ प्ले करके इसका रिजल्ट देखेंगे। इस वीडियो में एडवांस ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस देखेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ। अभी भी हल्का सा नॉइज है तो रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब प्ले करके आउटपुट के तरफ देखने से ही पता चलता है नॉइज पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। नाउ यहाँ से क्वालिटी को बेस्ट कर देंगे, इससे ऑडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा सुन लो। इस वीडियो में एडवांस ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस देखेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ। अब ऑडियो को एम्पलीफाई करने का बारी है, जिससे ओवरऑल ऑडियो का वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब तुम्हारा अगर ज्यादा है तो कम भी कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जाएंगे, यहाँ से एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन एम्पलीफाई। ऑडियो का वॉल्यूम 6-4 डेसिबल के अंदर रहना चाहिए, बट प्ले करने से पता चलता है ऑडियो का वॉल्यूम अभी 7-10 डेसिबल के बीच में है। तो ऑडियो को 3 डेसिबल इंक्रीज करके देखेंगे। ऑडियो का पीक 6 तक गया था, लेकिन ओवरऑल ऑडियो अभी भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो गेन को 4.5 डेसिबल कर देंगे। इस वीडियो में एडवांस ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस देखेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ। अब ठीक लग रहा है। अब वॉइस के अंदर वो बेस एंड डेप्थ लाने के लिए पैरामेट्रिक इक्वलाइजर ऐड करना होगा। सो 3 नंबर पे फिल्टर एंड इक्यू में से पैरामेट्रिक इक्वलाइजर को ऐड करेंगे। आई नो ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे लिए भी, मुझे भी इतने सारी चीजें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम एक प्रीसेट यूज करेंगे जो है लाउडनेस मैक्सिमाइजर। यहाँ पर लेफ्ट साइड में है लो फ्रीक्वेंसी, इसे बढ़ाने से तुम्हारा वॉइस थानोस जैसा हो जाएगा। और राइट साइड में है हाई फ्रीक्वेंसी, इसे बढ़ाने से आवाज बिल्कुल पतला हो जाएगा, बहुत शार्प लगेगा सुनने में। तो इसे डालने के बाद रिजल्ट कैसा है वो देख लेते हैं। इस वीडियो में एडवांस ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस देखेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ।
मुझे शार्पनेस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी को 3 डेसिबल कर देंगे और लो फ्रीक्वेंसी को 4 करेंगे एक्स्ट्रा डेप्थ के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर एक डिफरेंशिएट क्रिएट किया जाए तो क्लैरिटी और बढ़ जाएगा, तो मिडिल में एक पॉइंट ऐड करके उसको कम कर देंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा राइट साइड में ले जाएंगे और दोनों साइड अच्छे से स्मूथ कर देंगे। बहुत ज्यादा नीचे आ गया था तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इस वीडियो में एडवांस ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस देखेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ। कंप्रेशन एक ऑडियो के अंदर जो डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, उनको कंप्रेस करके एक सिमिलर लेवल पे लाने की कोशिश करता है। बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फिर से एक प्रीसेट यूज करेंगे जो है मल्टी बैंड कंप्रेसर। तो एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन के अंदर से मल्टी बैंड कंप्रेसर को ऐड करेंगे एंड यहाँ से ब्रॉडकास्ट को चूज कर लेंगे। इस वीडियो में एडवांस ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस देखेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ। ऑडियो तो बहुत ज्यादा क्रिस्प एंड लाउड हो गया है, लेकिन साथ साथ नॉइज लेवल भी इंक्रीज हो गया है। उसे ठीक करने के लिए स्पेक्ट्रल डीनॉइज को एडिट करना होगा। सेंसिटिविटी एंड थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा छेड़ने के बाद नॉइज अब क्लियर हो गया है। इस वीडियो में एडवांस ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस देखेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ। अब बहुत समय रिकॉर्ड करते वक्त हमारे मुंह से अननोइंगली क्लिक नॉइज आ जाता है, जैसे ये सब। इसे रिमूव करने के लिए यहाँ से VST3 रेस्टोरेशन एंड डी क्लिक। अब सेंसिटिविटी को बढ़ाकर तुम सिर्फ आउटपुट भी सुन सकते हो कि ये क्या रिमूव कर रहा है। तो सेंसिटिविटी थोड़ा ज्यादा है, इसको कम करेंगे। अभी भी ऑडियो 4 डेसिबल से ऊपर जा रहा है, सो इसे फिक्स करने के लिए जाएंगे एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन देन हर्ड लिमिटर। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को -5 डेसिबल कर देंगे। प्ले करने से पता चलता है ऑडियो 5 डेसिबल से ऊपर नहीं जा रहा है। अब इसे प्रीसेट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इस बटन पर क्लिक करना है और नाम डालकर ओके। ऑडियो को एक्सपोर्ट करने से पहले अप्लाई करना मत भूलना। नाउ ऑडियो एडिट करने के समय इस प्रीसेट को डालने के बाद नॉइज रिडक्शन एंड एम्पलीफाई को थोड़ा सा चेंज कर लेना है बस। इस वीडियो में एडवांस ऑडियो एडिटिंग प्रोसेस देखेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, ये पूरा प्रोसेस और जो एग्जैक्ट सेटिंग्स है वो मेरे वॉइस के लिए परफेक्ट है। तुम्हारे वॉइस के अकॉर्डिंग तुम्हें पैरामीटर्स को एडजस्ट करना होगा। और इतने दिन बाहर शूट ना करने की 2 वजह है। पहला है छोड़ो, दूसरा है ऑडियो। एक स्टूडियो माइक को अगर मैं आउटडोर पे यूज करूं तो ये मीठी हवा ऑडियो का बैंड बजा देगा, लेकिन इस माइक के लिए हवा कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स विंडशील्ड। ये है सिंको का G1 A2 Pro जो कि कुछ दिन पहले सिंको ने भेजा है। अब तुम शायद इस फ्रेम के अंदर मुझे ठीक से देख नहीं पा रहे हो, लेकिन इसका ऑडियो अभी भी कनेक्टेड है, वो भी वायरलेसली, और रहेगा भी 150 मीटर तक। चाहे तुम एक मोबाइल या कैमरा यूजर हो, ये किसी को डिसअपॉइंट नहीं करता क्योंकि इसका रिसीवर दोनों के साथ ही प्रॉपरली काम करता है। और इसके साथ लैप माइक कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हो जो तुम्हें बॉक्स में ही मिलेगा। एक बढ़िया कवर पे रैप होके एक बॉक्स के अंदर ये आता है। जो बॉक्स ही इसका चार्जर है, कॉन्टेक्ट पावर टेक्नोलॉजी के साथ मैग्नेटिकली अटैच होके ये चार्ज होने लग जाता है। कभी अगर बॉक्स भूल भी गए तो टाइप सी पोर्ट के थ्रू हर एक यूनिट को चार्ज कर सकते हो अलग से। म्यूट बटन एंड नॉइज रिडक्शन इसका एक बिल्ट इन फीचर है जो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम आएगा। तो अगर एक अच्छा वायरलेस सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस माइक को जरूर चेकआउट करना। अब शायद तुमने प्रीमियर प्रो या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख लिया है, लेकिन सिर्फ कैक टूल को सीखने से ही तुम एक अच्छे एडिटर बन जाओगे? आई डोंट थिंक सो। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर तुम्हें ध्यान देना होगा और जो मैंने रियलाइज किया 50 वीडियोस बनाने के बाद, बट तुम रियलाइज कर सकते हो सिर्फ इस वीडियो को देखकर ही। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।